हाँ, रोज घर के दरवाजे पे आ रहे हैं। रोज के काम हमारे गाड़ी सुने थे। हाँ, हमारा नाम है नहुं कहा। हाँ, सलो पाई के सुगरे के चारों गाड़ी सुने। अरे हाँ, वो लोग को हम रास्ता वाले सुन लिए, वो लोग आ सुननी ही है। मतलब इस तरीके से तंग कर रहे हैं सब। काम ना जे कम नुकसान हो कहां पे करी। तो गाय तो उन्हीं ने छोड़ी है ना अपनी, तो आप लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं सब। हाँ, ये देखिए भाई, इनकी व्यथा सुन सुन के मैं जो है, क्या आपको थोड़ी बहुत लगता है कि इनके साथ क्या किया जाए? ये जितनी भी गाय हैं, क्या ये इनकी व्यक्तिगत गाय हैं? ये किसी ने किसी को दूध पिलाई होंगी, खिलाई होंगी, है ना? और गौ सेवकों के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। जो भी है, गौ सेवकों के साथ में इस तरीके से बदतमीजी करना क्या अच्छी बात है? तो गांव वालों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। रास्ते पे चलते हुए इनके घरों पे जाके शिकायत करना, रोज़ इनकी बातों को आके रास्ते में महिलाओं को भी अब तंग करने लग गए हैं। महिलाओं को जो गौशाले पे काम कर रही हैं उनको लोग चैलेंज कर रहे हैं। माता जी, आपके साथ में भी ये लोग गांव वाले शिकायत कर रहे हैं? हाँ, 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 तो आप लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं? हाँ, कल यहाँ कौन थे? कौन सा? अरे सब अपनी गाय लेकर आते हैं और बोलते हैं बाहर छुट्टी है। पिछली बार मैंने जब रिकॉर्डिंग की थी तो उनकी अपनी गाय यहाँ पे है, बोल रहे हैं। अपनी गाय को लाकर बोलते कि ये गाय नहीं आई है क्या? नहीं, नहीं करो। अच्छा, अपनी गाय लेकर आके बोलता है गाय छूटी हुई है। तो मैंने सब उसका टैग किया, उसका नाम, मैंने कहा ये किसका नाम है? कहता मेरा नाम है। मैंने कहा ऐसे झूठ बोलोगे? वो अपने ही गाय को लाके बोलता छूटी हुई गाय गौशाले में बांधने के लिए। अभी हथकंडे अपना रहे हैं कि अपनी गाय भूसा तो कोई खिला नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से वो लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये तो प्रशासन की लापरवाही है, इतना घटिया ढांचा इन्होंने बना रखा है। हाँ, और कैसे पता गौशाले की थी? नहीं, कैसे पहचाने गौशाले की है? नहीं, वो आपको देख रही है ना। लेकिन इन ये गौशाले की गाय कैसे पहचाने? वैसे तो 20-25 गाय छुट्टा घूम रही है, और यहाँ पे तो वैसे ही देख रहे हो कितनी मुश्किल से बांधा हुआ है। और ये अभी बनना बाकी है, यहाँ पे जो शेड है ना, एक और शेड बने तब जाके इनका कुछ जुगाड़ हो पाए।